हे गाइज वेलकम टू माई चैनल लेट साउंड फ्यू सो गाइज इन टूडे वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल दी न्यू कैबलरी वर्ड सोई फूर न्यू टू दिस चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियो सो गाइज लेट्स के अटेड टू द वीडियो विदाउट अ फर्दर अ टू सो गाइज आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड है पॉन्डो इसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी चीज़ के बारे में बहुत केयरफुली विचार करना केयरफुली सोचना स्नोनीय से इसका कंसिडर थिंक ओवर एंटोनियम्स है इग्नोर फॉर फॉर एग्जाम्पल शी पॉन्डर्ड ओवर हिज वर्ड्स एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है फेजाइल इसका मतलब होता है प्रोड्यूस विदाउट एफर्ट और केयरफुल थॉट यानी कोई चीज़ जो बिना एफर्ट करे बिना मेहनत करे और बिना विचार करे प्रोड्यूस की जाती है उसे हम कहते हैं फेजाइल इस से इसका एफर्टलेस फ्लुएंट एंटोनियम से example, guys, है डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर एग्जाम्पल इट सीम्स टू फेजाइल टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन हिज मिस हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस एंड गाइस नेक्स्ट वर्ड है क्विबल इसका मतलब होता है अ स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिज अबाउट अ ट्रिब्यूअल मैटर मतलब जब हम किसी पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं किसी का विरोध करते हैं या किसी की आलोचना करते हैं एक बहुत ही छोटे ऐसे मैटर के ऊपर तो उसे हम कहते हैं क्विबल स्नोनियम से निगल ग्रम्बल एंटोनियम से प्रेस एग्रीमेंट्स फॉर एग्जाम्पल इट इज एंड वर्थ क्विबलिंग ओवर सच अ स्मॉल अमाउंट एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड ए राइफ राइफ का मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन यानी कोई चीज जो बैड थिंग से रिलेटेड है और वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है बहुत कॉमन है तो उसे हम कहेंगे राइफ स्नोनीम्स इसका कॉमन प्रिवलेंट एंटोनियम केयर लिमिटेड फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस एंजल्स इज़ राइफ विद गॉसिप अबाउट द स्टार्स प्राइवेट लाइफ एंड नेक्स्ट वर्ड है इरेफ्यूटेबली इसका मतलब होता है इन अ वे दैट कैन नॉट टू बी रॉन्ग और देर मस्ट बी एक्सेप्टेड यानी कोई चीज जो गलत नहीं हो सकती और उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए डाउटफुल डूवियसली फॉर एग्जाम्पल द क्लेम कैन नॉट बी इेफ्यूटिबली प्रूवन एन गाइज एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड एम्प्लाई इसका मतलब होता है एज मच और मोर देन इज नेसेसरी यानी कोई चीज़ सफिशेंट है या उससे ज्यादा है उसे हम कहेंगे एम्प्लाइज टोनियम्स का अबेंडेंटली एडिक्वेटली एंटोनियम्स इन एडिक्वेटली इन फॉर एग्जाम्पल हिज एफर्ट्स वर एम्पली रिवॉर्डेड एंड गाई इज़ नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वॉट सीन्स और इस स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू वेन दिस इज़ पर हैप्स नॉट द केस यानी कोई चीज़ जो सही दिख रही हो रियल दिख रही हो ट्रू दिख रही हो पर ऐसा नहीं है स्नोनीय्स एपरेंटली सीमिंगली एंड टोनियम्स इज का अनलाइकली ऑब्सक्योरली फॉर एग्जाम्पल ट्रूब्स वर्स एंट इन ऑस्टेंसिबली टू प्रोटेक्ट द सिविलियन पॉपुलेशन एंड गाईज नेक्स्ट वर्ड अ ड्विंडल इसका मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली लेस और स्मॉलर यानी कोई चीज़ जो ग्रेजुअली लेस होती जाती है कम होती जाती है उसे हम कहेंगे ड्विंडल स्नोनियम से डिक्रीज डिमनिश्ड एंड टोनियम इसका इंक्रीज प्रोलॉन्ग फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट फॉर द पार्टी हैज़ ड्विंडल्ड अवे टू नथिंग एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स पैराडॉक्स का मतलब होता है पर्सन थिंग और सिचुएशन दैट हैज टू अपोजिट फीचर्स एंड देव सीन स्ट्रेंज यानी कोई पर्सन या कोई सिचुएशन जिसकी कॉन्ट्राडिक्ट्री क्वालिटीज़ दिखती हूँ और वो बहुत स्ट्रेंज दिखता है हम कहेंगे पैराडॉक्स हिंदी में कहें तो विरोधाभासी कह सकते हैं स्नोनियम्स कॉन्ट्रडिक्शन एम्बिग्विटी एंड स्टैंडर्ड नॉर्मैलिटी फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ पैराडॉक्स अ लोनर हु लव टू चैट टू स्ट्रेंजर्स thank you